नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज एक हो रही वायरल जो खबर है रीट को लेकर के, जानते हैं इस खबर में क्या आया था। सबसे पहले एक इस खबर को देखें जिसमें एक ट्वीट है कि गोविंद डोटासरा जाएंगे सीएम आवास, शाम 7:30 बजे जाएंगे मुख्यमंत्री आवास। रीट को लेकर सीएम अशोक गहलोत लेंगे अहम बैठक। साथ में एक और खबर, बस वही आपको जानना है कि इस खबर में कितनी सच्चाई है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई आवश्यक नहीं कि ये जो खबर है उसके अकॉर्डिंग, मैं ये नहीं कर रहा, ध्यान से सुने आप मेरी बात को, कि इस तरह की जो खबरें आती है, जब इसमें लिखा है कि लाखों बेरोजगारों का इंतजार खत्म, कल जारी होगी रीट की विज्ञप्ति, हम इसकी सच्चाई जानते हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अंतिम फैसला, फरवरी के पहले सप्ताह में होगी परीक्षा, परीक्षा संबंधी बाकी बिंदु विज्ञप्ति में होंगे साफ। और कहीं ऐसा भी लिखा हुआ रहा है कि 21 फरवरी को जो है ये एग्जाम होगा। मैं ये नहीं कहता 21 फरवरी को एग्जाम नहीं होगा, हो सकता है 21 फरवरी को हो, जनवरी में हो जाए, मार्च में हो जाए, दिसंबर में आयोजित हो जाए, आज से एक महीने बाद में हो जाए। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि रीट अभी नहीं होगी या कब होगी। मैं केवल ये आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो ट्वीट है जिसमें जी राजस्थान, ये जो यहां पर लिखा हुआ है आप देखें, और इस ट्वीट में जो जी राजस्थान का ऑफिशियल जो अकाउंट है उस पर जाकर जब मैंने देखा, इस तरह की कोई न्यूज नहीं है, जिसका सीधा सा अर्थ है ये पूरी तरह से फेक न्यूज है। वैसे इस तरह की न्यूज पिछले 10 दिन पहले आई थी, लेकिन आज, क्योंकि आज ये बैठक जो होनी है जो 7:30 बजे उसको लेकर के ये किसी ने ये जो है पूरी तरह से फेक जो है वो डाल दी। और बेरोजगारों की पीड़ा को आप सभी जानते हैं कि बेरोजगारों की पीड़ा कुछ इस तरह की है कि इस तरह की जब न्यूज आती है तो वो बहुत जल्दी वायरल होती है। तो ये जो न्यूज है ये पूरी तरह से फेक है। अच्छी बात है कि आप लोग इसको सच मान करके और पढ़ना, जिन लोगों ने शुरू नहीं किया वो शुरू कर दें, जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं अपनी गति बढ़ा दें, लेकिन ये न्यूज पूरी तरह से फेक है। जो ही आज की बैठक का निर्णय कुछ होता है और उसके संबंध में जो ही कोई सूचना आएगी, मैं आपको शीघ्र या जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, जुड़े रहिए आप हमारे इस चैनल से।